रसोई मीना की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शाही इमली चटनी बनाएंगे। तो शाही इमली चटनी बनाने के लिए खाए तो होंगे बहुत, ऐसा थोड़े नहीं खाए होंगे, पर हम थोड़ा स्पेशल बना रहे हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले सामग्री दिखा देते हैं। तो शाही इमली चटनी बनाने के लिए हम 1 पाव इमली भिगो करके ओवरनाइट रख लिए हैं। इनको हम साइड करते हैं, इसे मसल करके अच्छे से हम छान लेंगे। इनको हम साइड कर देते हैं। जिसके लिए हम ये पिन खजूर लिए हैं, हम कुछ बारीक इस तरह से कट कर लिए हैं, बीज निकाल लिए हैं, इनको साथ में हम पीसेंगे। उसके लिए कुछ पचमेवा, तो पचमेवा लिए हैं, तो कुछ पचमेवे को हम खड़ा रखेंगे और कुछ पचमेवे को हम इनके साथ पीस लेंगे। इस तरह के हम निकाल लेंगे हम और इनको भी साइड कर देते हैं। अब आपको मसाला दिखा दें। तो शाही चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, बिना तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, होममेड जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर कलर के लिए, ये कुछ पिस्ता है, तो पिस्ता को हम कट कर लेंगे, इनको पीसेंगे नहीं, कट करके हम आपको दिखाएंगे। और 6 से 7 गोल की दरदरे हम कर लिए हैं। और ये काला नमक हम लिए हैं 1 चम्मच लिए हैं, स्वाद अनुसार डालेंगे हम इनमें। कुछ सफेद नमक ले लिए हैं और इनमें डालेंगे हम गुड़। तो गुड़ हम 250 ग्राम इमली लिए हैं, तो 500 ग्राम गुड़ लिए हैं हम। तो आइए हम शुरू करते हैं मसाला लेंगे। पानी हम जरूरत के अनुसार डालेंगे। तो आइए हम इसी छन्नी में हम अच्छे से छान लेंगे। कुछ इस तरह से हम मसल के निकाल लेंगे। थोड़ी सी और पानी लेंगे हम। और ध्यान रहे इनको अल्मीनियम के कढ़ाई में चटनी ना बनाए, है तो स्टील में बनाए, नहीं तो बूंदे के कढ़ाई आते हैं उनमें बनाइएगा, क्योंकि ये खट्टे हैं। आप इस तरह से अगर धोएंगे तो आपका हाथ में हल्का हल्का खुजली होगा, तो सोच सकते हैं कि जब इनमें इतना एसिड है तो ये बर्तन को क्या कर सकते हैं। तो हम पूरा 1 कप पानी ले लिए हैं। अब इनको अच्छे से हम मसल के और इस तरह से कुछ फिर से हम थाली में पलट देंगे। इसलिए पलटेंगे हम कि अब देखिए हम क्या करेंगे। अब इसी इमली के पानी में हम इनको मसल मसल के बीज को निकाल लेंगे, सारा इसका जूस निकाल लेंगे, पानी इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे। ये देखिए क्योंकि हम उसी पतीले में चटनी को बनाएंगे, क्योंकि वो स्टील के हैं। इस तरह से देखिए अच्छे से ये निकल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से सारे जूस को हम निकाले हैं। इनका पल्प जो होता है कुछ किनकिनापन रहता है, घिस घिस लगता है, तो ये हम नहीं डालेंगे, तो इनको हम हटा लेते हैं। अब हम आपको पिन खजूर पीस के दिखाएंगे। इस तरह से हम पिन खजूर को हम मिक्सी जार में ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए हल्का सा, टोटल हम 250 ग्राम पानी। पहले इनको हम दरदरा कर लेते हैं, तब हम आपको और सामग्री दिखाएंगे कैसे हम पीसते हैं। कुछ इस तरह से दरदरे हो गए हैं। अब इनमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गुड़, ताकि अच्छे से ये पिस जाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा और पानी लेंगे। थोड़ा और हम इनको पीसेंगे। ये देखिए ये
आराम से खुले तो बहुत अच्छे पेस्ट हो गए हैं ये। अब हम इनको इसी में रहने देते हैं। थोड़ा सा गुड़ हम इसलिए डाले हैं इनमें कि जो पिन खजूर है अच्छे से बारीक पीस जाए, इसीलिए हम डाले थे। अब हम गैस को फिर से चालू कर लेते हैं और इस पर चढ़ा देते हैं पैन। पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा हीट हो जाते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, करीब 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाले हैं तेल। में डालते हैं 1 तेज पत्ता, 1 डालेंगे सूखा मिर्च। ये जो मिश्रण हम तैयार करके रखे हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को डालेंगे। तेल गर्म हो जाते हैं तो चलिए अच्छे से जल गए हैं तेज पत्ता और सूखा मिर्च, तो इनमें डाल देते हैं ये खजूर का जो हम पेस्ट बनाए थे। इसी में डालेंगे हम इमली का पानी तुरंत। ये देखिए, और इसी में हम डालेंगे धीरे धीरे गुड़, जो बाकी गुड़ हम रखे थे इनको हम इसी में धीरे धीरे पिघल जाएंगे। इसको हम पिघलने देते हैं, तब तक हम पिस्ता काट के दिखाएंगे। तो मैं आपको पिस्ता काट के हम पचमेवे में दिखा देते हैं। ये पचमेवा है, हमने पहले से तैयार कर लिया था। तो देखिए पिस्ता को भी अच्छे से काट लेंगे। होलिका दहन है तो इसीलिए थोड़ा स्पेशल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि होली आएगा तभी बनाएंगे। ये अंदीना भी आप बना करके एक बोतल में अच्छे से रख दीजिए, कांच का बोतल में एयर टाइट। ये आराम से जैसे बाजार से 100 आदमी खरीदते हैं तो वो उसी तरह से आप इसको आराम से 1 से 2 महीना चला सकते हैं। इस तरह से बना के वन रख लीजिए। तो हम देखिए सारे पिस्ते को हम लगभग काट लिए हैं। अब हम इनमें डाल देंगे सारे मसाला, हम काट लिए हैं और चला ले रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। हम आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज कर रहे हैं। अब हम डाल देते हैं रेड चिली पाउडर। सारे मसालों को हम डाल देंगे। तो अब डाल देते हैं ये जो पचमेवा और पिस्ता हम काटे हैं इनमें। इसीलिए हम इमली के पानी छान करके डाले थे। अब डाल देते हैं इनमें होममेड जीरा पाउडर गोलकी, जो हम दरदरा करके रख लिए हैं, और स्वाद अनुसार काला नमक, सफेद नमक। सारे मसालों को हम डाल दिए हैं। अब इसी तरह से हम इनको अच्छे से पकने देते हैं। सारे जो मीठा डाले थे गुड़ तो अच्छे से पिघल गए हैं और बहुत ही अच्छे खुशबू आ रहे हैं इनमें से, उबाल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब हम 2 से 3 मिनट बाद गैस को ऑफ करेंगे, आपको हम गार्निशिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम गार्निशिंग, थोड़ी ठंडी हो गए हैं हल्के, तो अब हम एक बॉल में आराम से निकाल लेते हैं। हम गार्निशिंग कर लेते हैं, बॉल में ले लिए हैं। तो आइए अभी इसमें हम किशमिश से गार्निशिंग कर रहे हैं। हालांकि ये अंदर चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ऊपर से डाल दे रहे हैं बादाम। देखिए छिलका सहित हम पिस्ता एक बहुत खूबसूरत लगेगी रख दिए हैं। इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। बोलिए खा के देख रहे नहीं, क्योंकि हम बनाए हैं तो हम जान रहे हैं। बहुत ही खुशबू इनका बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से होलिका दहन पे उस दिन कढ़ी बड़ी बचका जो हम सब दिखा चुके हैं आप लोगों को, और इसी तरह से चटनी बनाइए। ये चटनी एक दिन पहले बनता है होलिका के दिन, जो होलिका दहन होता है, ताकि अगले दिन इनको पूरी और सब्जी के साथ लोग सर्व करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से चटनी बनाइए शाही इमली की चटनी, तो बहुत मजा आएगा। और जितना भी आपके यहाँ आएंगे लोग मिलन करें, होली मिलन करने,
होली में गले मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन चटनी खाकर तारीफ जरूर देंगे। तो इस तारीफ बटोरने के लिए इस तरह से आप चटनी बनाइए, जैसे हम बनाए हैं उस तरह से आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, खाइए। और कैसा लगा हमारा वीडियो? तो हमारे वीडियो पर अगर हमारे नए दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो एक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है। तो बेल आइकन दबाइएगा तो आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। और पुराने दोस्त फ्रेंड हमारे हैं तो शेयर लाइक करना ना भूलें। एक मिनट, अगर हमको सुनना चाहते हैं हेडफोन लगा करके, ईयरफोन लगा करके, तो खबरी ऐप पर हमारा चैनल चलता है फूडी जोन, वहाँ पे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लोग पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के चलते दूर देश जाते हैं तो खाना बनाना शायद नहीं जानते हैं, तो वो लोग हेडफोन लगा करके, ईयरफोन लगा करके खाना बना सकते हैं एक से एक। आजकल का ऐसा ऐसा साइंस चल गया है कि कोई पीछे नहीं है, तो उनके लिए है खास करके कि सुने और बनाए इस तरह से, और सबका प्यार दुलार आशीर्वाद ले। लेकिन अगर अच्छा लगे हमारा ऑडियो आपको फूडी जोन पर, तो एक फॉलो, शेयर, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी है, बेल आइकन मत ऐसा नहीं कि नहीं दबाना है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सुनने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो और इंस्टाग्राम पर भी हम मिलेंगे आपको, रसोई मीना की, तो वहां भी फॉलो शेयर कर सकते हैं। टिकटॉक पर भी हम है, वहां भी आप फॉलो शेयर कर सकते हैं, रसोई मीना की। तो मिलते हैं हम फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।